पुलिस के समान वेतन और सशस्त्र बल के लिए सीआरपीसी में संशोधन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार दिए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर वन रक्षकों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन प्रारंभ किया है। इसके तहत इंदौर में भी कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के वन रक्षक अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार द्वारा उनकी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। प्रदेश के वन रक्षकों ने फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में वन रक्षक संघ ने कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वन रक्षक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 15 मार्च को विधायक और सांसदों को ज्ञापन देंगे, जबकि 15 अप्रैल को भोपाल में विशाल धरना दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। 20 सूत्री मांगे हैं, मांगे तो बहुत सारी हैं, पर विसंग संगतियाँ हैं और महाराष्ट्र की तरफ वेतन भत्ते का मामला है और 2018 में भी चरणबद्ध आंदोलन किया गया था तो गौरीशंकर सेजवार मंत्री जी थे उनके द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद भी हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई, उन्हीं को लेकर 20 सूत्री मांगों को लेकर वापस से हड़ताल है और धरना आज ज्ञापन दिया है और 15 मार्च को हड़ताल 15 तारीख से दिया जाएगा और 1 मई से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। देखिए, वन कर्मचारी संघ की प्रांतीय जो कार्यकारिणी भोपाल है उनके आह्वान पर आज इंदौर जिले का समस्त वन अमला जो है श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आया है। ज्ञापन के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें जो प्रांतीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश है उनके हिसाब से वन कर्मचारियों का आगे आने वाला चरणबद्ध आंदोलन है जो कि 5 चरणों में होना है, उसकी रूपरेखा के अंतर्गत प्रथम कड़ी जो आज है वो ज्ञापन देने की है। द्वितीय कड़ी के अंदर में हम 15 मार्च से स्थानीय विधायक और सांसदों को ज्ञापन देंगे। तृतीय चरण के अंदर में हम भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। चौथे कड़ी के अंदर में हम लोग 1 तारीख से 1 मई से लेकर 5 मई तक अपने सरकारी दस्तावेज आयुध बंधु के सब जमा करेंगे और अंतिम चरण में हम 6 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि जो वन कर्मचारी है वो इस प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा को बचाता है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन कार्य करता है और कार्य करने के बाद में वन माफियों का सामना करता है, उसके उपरांत भी शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता बहुत, इसलिए उसी में प्रांतीय कार्यकारिणी ने 20 सूत्री मांगे बनाई है जिसकी प्रतिपिली आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। उसी मांगों को लेकर हम आज प्रथम चरण में प्रथम कड़ी के प्रयास में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के वन रक्षकों का यह आंदोलन सरकार के लिए चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।